हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो, और मैं इनका वीडियो भी है यहाँ पर जो मैं चला दूंगी ताकि आप लोग वो सुने, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। और ये विद इन अभी मैं बता रही हूँ ना, 3-4 महीने, इसी साल की चीजें हैं ये, कोई पिछले साल की भी नहीं, ये सिर्फ इसी साल की न्यूज है। तो वी आर गोना गो वन बाय वन। आ गए आप लोग गालियां देने, आ गए बस। हाँ, हिंदुओं की लौंडी, ओ भाई लौंडी इस्लाम में होती है, हिंदुओं में दासी होती है, सीख तो लो कुछ। लौंडी होती है इस्लाम में, ठीक है, जो मरिया किप्तिया थी, राइट, जिनके साथ आपके, फिर मैं बोलूंगी ना तो कहोगे देखो ये क्या बोल रही है, ये रसूल की शान में गुस्ताखी कर रही है। ओ भाई लिखे हुए किससे, मरिया किप्तिया कौन थी, कुछ पता है? रफी खान, तुम तो वैसे भी ऐसे ही मैसेज वैसे करती हो। मंजूर, देयर इज नो इस्लामोफोबिया एनीमोर, तुम लोग गाते रहो ये इस्लामोफोबिया का नारा। मंजूर, देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामोफोबिया, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट। मी, आई हैव अ फियर ऑफ दिस आइडियोलॉजी। कुछ आपको पता है कि कल मैं बैठ के, हम लोग जो इस चीज की वजह से भाग कर आए थे पाकिस्तान से, मंजूर दिस इज व्हाट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं जाहिलों की वजह से ना हम अपना मुल्क छोड़कर आ गए, अपने फैमिली फ्रेंड्स। तुमको पता है कि मैं क्या क्या चीजें, अपने स्कूल की अचीवमेंट, मेरी सारी ट्रॉफीज, मेरी सारी चीजें मुझे छोड़कर वहां से भाग कर आना पड़ा, क्योंकि वहां पे हमारी जान को खतरा था। तो अपनी जान बचा के मेरी माँ मुझे यहाँ लेकर आई है। तो अब यहाँ पे अभी बैठो ना, मैं दिखाती हूँ तुमको, मैं दिखा रही हूँ ना वर्ल्ड वाइड, ये एक केस नहीं है, ये एक चीज ने जब वर्ल्ड वाइड एक आइडियोलॉजी ने नाक में दम रखा हुआ है ना, तो इट इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। इट्स नॉट अ फोबिया, फोबिया इज इरेशनल फियर, ठीक है, फोबिया इज इरेशनल फियर। हमें तो वाकई में रैशनल फियर है इस्लाम का, क्योंकि अगर हम उस पर थोड़ी सी भी बात कर लें, अरे भाई हम हदीस कोट कर दें, आयत कोट कर दें, ये कहते हैं ब्लास्फेमी हो गई है। कल मेरी स्पेस में एक बंदी आई, वो कहती है कि उस दिन उसने पता नहीं कहां पे वो थी, उसने कहा कि उसने हजरत अल्लामा इकबाल बोल दिया। हजरत, हम लोग कितनी दफा बोलते हैं हुजूर, आपका क्या नाम है, इस तरीके से, इट्स अ वर्ड इन उर्दू जो हम बोलते हैं। वो कह रही है, बंदी आ गई उसके बाद कि तुमने ब्लास्फेमी कर दी है, तुमने कैसे इसको, हजरत तो सिर्फ हमारे सहाबा के लिए यूज होता है। वेयर आर यू गोइंग टू फकिंग स्टॉप दिस शिट, मंजूर कहां स्टॉप करोगे। इस्लामोफोबिया हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग, इस्लामोफोबिया का जो आपने चूरन था ना वो बेच लिया आपने जितना बेचना था। नोबडी इज स्टूपिड टू बिलीव दिस एनीमोर, ठीक है। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस, इट इज ओनली अ रिलीजन ऑफ पीसेस ऑफ पीपल, बस। और जो ये बात करेगा ना उसकी गर्दन काट दो। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मगर अगर आप उसको बोलेंगे कि वो रिलीजन ऑफ पीस नहीं है, उसकी गर्दन काट देंगे। That's how peaceful it is. क्या आयरनी है, what an irony. So, ये खुद मंजूर, तुम तो खुद आके मुझे धमकी देके गए थे, कि आपके साथ कुछ हो सकता है, राइट? तुम तो रहते भी बाहर हो, और तुम्हारे जैसे कितने लोग यहाँ रहते हैं। मेरी तो बच्ची है, मैं कल बैठ के यही सोच रही थी कि यार, anyways, we're gonna move. इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।